जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, संस्थागत क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सभी को ये पता चल गया है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी के बिना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई मीनिंग नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर C13। हो गया ओपन बेटा? We have learned about the different forms of government. हम गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स, कई प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन से टाइप की गवर्नमेंट पढ़ी थी हमने? मोनार्ची गवर्नमेंट, ठीक है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, और बताइए, डिक्टेटर गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने काफी सारे गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़े थे। एंड ऑल्सो बट असेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कह रहे हैं बहुत असेंशियल, बहुत ही जरूरी एक तत्व है डेमोक्रेसी का, विच मेड इट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इसे बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट, बहुत ही पॉपुलर सरकार बना देता है। इतने सारे गवर्नमेंट के अंदर से जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही पॉपुलर बना देता है इसे। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है बेटा? चुनावी प्रक्रिया। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम फोकस करेंगे, किस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में, एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो राजनीतिक मामले हैं उनके बारे में। द पॉलिटिकल पार्टीज आर असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो बहुत ही जरूरी होती हैं किसके लिए? पॉलिटिकल सिस्टम के काम करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। इसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है जो इलेक्शन में 18 या फिर 18 से अबोव ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। मैं बेटा एक सेकंड बाद, एक मिनट आती हूँ, रुकिए। ठीक है बेटा, जो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, 18 और 18 ईयर अबव के जो सिटीजन है हमारे कंट्री के, वही वोट दे सकते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी भी टू टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, सभी लोग मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव है वही गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं। तो आजकल के मॉडर्न टाइम में ज्यादातर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो कह रहे हैं इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजंस इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं टू द लेजिस्लेचर, विधायिका के लिए, विच मेक लॉ फॉर देम, जो कि उनके लिए कानून बनाती है। लेजिस्लेचर का काम ही यही है, कानून बनाना। आशु अपना माइक बंद कर दो। वी कैन नॉट थिंक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दीज डेज विदाउट पीरियोडिक इलेक्शन। कह रहे वी कैन नॉट थिंक, हम तो सोच भी नहीं सकते एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में विदाउट पीरियोडिक इलेक्शन, जिसमें समय समय पर इलेक्शन ना हो, समय समय पर चुनाव ना हो। इन इंग्लैंड द वुमेन आर ग्रांटेड राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1918। इंग्लैंड में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला 1918 में। इससे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। दे गॉट दिस राइट आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आउट स्ट्रगल, और उन्होंने ये अधिकार को पाया एक बहुत लंबे ड्रोन आउट स्ट्रगल, एक बहुत लंबे चलने वाले संघर्ष किया उन्होंने। आप लोगों ने पढ़ा भी था ना सफ्रेज मूवमेंट के बारे में, सफ्रेज मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हुआ था, बहुत लंबा प्रोसेस चला था,
और उसके बाद उन्हें ये संघर्ष किया और उसके बाद वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. इवन टूडे इन सम कंट्रीज वुमेन डोंट हैव द राइट टू वोट. कह रहे इवन टूडे, यहाँ तक कि आज तक भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है दैट एवरी एडल्ट सिटीजन, की हर एक वयस्क जो नागरिक है जिसकी एज 18 या 18 ईयर अबव हो चुकी हो उसको हम अडल्ट बोलते हैं. सिटीजन शुड बी ग्रांटेड राइट टू वोट, उसे वोट देने का अधिकार है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स. चाहे उसकी कास्ट, जाति, उसका धर्म, रेस, उसकी नस्ल, या फिर उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा कोई भी हो, एंड सेक्स, या फिर वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो. इन अवर कंट्री, और हमारे कंट्री के अंदर ऑल सिटीजन, जितने भी सिटीजन है वो आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 18 ईयर पूरी हो चुकी है या अबव या वो उससे ऊपर के हैं, हैव बीन गिवन द राइट टू वोट. उन सभी को वोट का अधिकार दिया गया है. वन मैन वन वोट, एक आदमी एक ही वोट. क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं, या गरीब व्यक्ति है तो एक ही वोट दे सकता है, या वो किसी ऊंची पोस्ट पे है तो एक से ज्यादा वोट दे सकता है? क्या कभी सुना आपने कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोट दे? हर एक व्यक्ति का एक ही वोट है. कि वन मैन वन वोट इज अ नॉर्म दैट फॉलोड इन अवर कंट्री. कह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर माना जाता है, नॉर्म मैंने माना जाता है. हमारी कंट्री किसको फॉलो करती है? वन मैन वन वोट, की एक व्यक्ति और एक ही वोट. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ रिच मैन एंड अ पुअर मैन, अ लिटरेट एंड द इलिटरेट पर्सन, एंड अ हाईली एंड द लोअली प्लेस्ड मैन इन द सेम. कह रहे हैं कि वैल्यू, हमारी कंट्री में जो वोट की वैल्यू है, चाहे वो व्यक्ति रिच है, अमीर है या गरीब है, चाहे वो लिटरेट है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, साक्षर है, या वो इलिटरेट है, या वो निरक्षर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, या वो हाई सोसाइटी का है या वो लो सोसाइटी का है, उसकी जो वोट की वैल्यू है वो सेम है. ऐसा नहीं कि हाई कास्ट के पीपल ने वोट दिया तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी. नहीं, देश की, कंट्री के सभी लोग जिनकी एज 18 ईयर अबव है उन सभी को वोट देने का अधिकार है और उनके वोट की वैल्यू भी सेम ही है. द एडवांटेजेस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर एज फॉलोस. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कुछ एडवांटेजेस, कुछ विशेषताएं नीचे बताई गई हैं. देखिए, नंबर वन, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल पार्टी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. कह रहे इट इंश्योर्स, सुनिश्चित करता है इक्वालिटी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, की समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त होगी, सभी लोग इक्वल होंगे. मतलब वोट के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं. और वैसे भी हमारी कंट्री ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है, फ्रीडम टू इक्वालिटी, जिसके अनुसार हमारी कंट्री के अंदर सभी लोग बराबर हैं. धर्म, जाति, सोशल कास्ट के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ऑल सिटीजंस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कह रहे ऑल सिटीजंस, सभी के सभी नागरिक कैन पार्टिसिपेट, भागीदारी कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के काम की प्रक्रिया में, इन अ कंट्री, हमारे देश के अंदर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. कोई भी भेदभाव कोई मैटर नहीं करता है. हमारी कंट्री के अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एवरी पर्सन हैज अ इक्वल, हर एक व्यक्ति बराबर है. से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा ही हमारी से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने वाले लोगों ने यही हमें बताया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा कि एवरी वन इज अ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि हर एक व्यक्ति कानून की नजर में समान है. नंबर टू, इस इट एस्टेब्लिश अ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कह रहे हैं इससे क्या होगा, एस्टेब्लिश एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होगी जो वास्तव में ट्रू होगी बिल्कुल. इफ द राइट टू वोट इज गिवन टू ओनली अ सिलेक्ट फ्यू. कह रहे हैं यदि हमने वोट देने का अधिकार कुछ सिलेक्टेड फ्यू, कुछ सिलेक्टेड व्यक्ति को ही दे दें तो वी कैन नॉट कॉल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म. तो हम गवर्नमेंट को वास्तव में रियल सेंस में हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने सभी लोगों को बराबर लेकर चलना है. हम उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते. यदि ऐसा होता है कि कुछ ही एडल्ट पीपल वोट दे सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों को वोट देने का अधिकार हो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं हो, ठीक है,
तो शूद्र कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं हो, तो ऐसे में जो है डेमोक्रेसी वो सरवाइव नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर थ्री, इट मेक्स द गवर्नमेंट अनकाउंटेबल फॉर व्हाट इट डिड। क्या इट मेक द गवर्नमेंट अनकाउंटेबल, गवर्नमेंट उत्तरदायी होती है कि वो क्या कर रही है, मतलब क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए हैं, वो क्या काम करते हैं, इसके लिए उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ इट डज नॉट वर्क वेल, यदि वो काम सही से नहीं करते हैं, पीपल कैन वोट इट आउट द नेक्स्ट इलेक्शन, तो अगले इलेक्शन में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, और जब वोट नहीं देंगे तो उन्हें उनकी सीट से हटा दिया जाएगा। इट मेक द पीपल टेक इंटरेस्ट इन द पब्लिक अफेयर, और क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पर, यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज है, सभी लोगों का इक्वल स्थान है, इसीलिए जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं पब्लिक अफेयर, लोगों के क्या क्या मामले हैं, मीन्स लोग किन किन चीजों किन किन चीजों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, ठीक है, जैसे अब किसानों ने आंदोलन कर रखा है, तो लोग जो है पब्लिक अफेयर के अंदर काफी इंटरेस्ट लेते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि इलेक्शन क्या होते हैं और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, सभी जानते हैं इलेक्शन के बारे में, कितने बच्चों को पता है इलेक्शन के बारे में? यस मैम, मैम मैं आपको पता पता है, ठीक है। प्रिंस, प्रिंस ओपन योर माइक, तनुज यादव, तनुज यादव आप माइक ऑन कीजिए, बताइए बेटा क्या जानते हैं आप इलेक्शन के बारे में, चुनाव क्या होता है? मैम पता अक्षत, अक्षत क्लास लीव नहीं करनी है, नोटबुक चेक करूंगी मैं आपकी, बताइए तनुज क्या जानते हैं आप इलेक्शन के बारे में। देखो आप, इलेक्शन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सभी लोग मिलकर गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट को बनाते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस, चुनाव और उसका वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी 5 ईयर और अर्लियर। कह रहे इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शन हो सकते हैं फॉर द लोकसभा, लोकसभा के लिए भी चुनाव हो सकते हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी जो राज्य विधानसभा है उसके लिए भी चुनाव हो सकते हैं, जब आपके सीएम चुने जाते हैं, और लोकसभा में जब आपका पीएम चुना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जगह चुनाव होते हैं एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में, और अर्लियर या इससे जल्दी भी, जब लोकसभा भंग हो जाए, विधायिका भंग हो जाए, या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट रिजाइन दे दे, तो ऐसे समय में इलेक्शन दोबारा होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एज द केस में बी इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कह रहे इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉलोइंग रीजंस, कुछ ऐसे रीजंस ही हैं यहाँ पर, कारण दे रखे हैं। नंबर वन रीजन क्या है, इलेक्शंस थ्रोन अप अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी वैरायटी के मुद्दे उठते हैं कि देश में ये कमी है, ये कमी है, कोई चुनाव वाले कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे तो हम ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे, लोग खुलकर अपने अपने मुद्दों को उठाते हैं। द पार्टी इशू देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोस विद डील विद प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल एंड द कंट्री एट लार्ज। यानी जो पार्टीज जो इश्यू करती है देर इलेक्शन में, वो मैनिफेस्टोस, वो घोषणा पत्र होता है, विच डील विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड द कंट्री एट अ लार्ज, कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। थ्रू इलेक्शन पीपल इलेक्ट द रूलर, इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा लोग अपने शासक को चुनते हैं। द पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो पार्टी लेजिस्लेचर में, विधायिका के अंदर अपनी मेजोरिटी बनाती है फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वही बनाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब इलेक्शन होते हैं, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो पूरे के पूरे जो स्टेट को कई निर्वाचन मंडलों में बांट दिया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल बढ़ जाते हैं और हर एक निर्वाचक मंडल से एक व्यक्ति जो है वो चुनकर आता है। अब हर निर्वाचक मंडल से एक व्यक्ति चुनकर आया, और वो व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी का हो भी सकता है, या वो निर्दलीय भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का ना हो,
तो उन व्यक्तियों की लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन सी पार्टी के कितने मेंबर्स चुनकर आए हैं, ठीक है, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं वही गवर्नमेंट को बनाती है, ठीक है। तो वही लिखा, विच पार्टी सिक्योर मेजोरिटी, जो सी पार्टी बहुमत को प्राप्त करती है वही फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर्म गवर्नमेंट को बनाती है। इट इज थ्रू द इलेक्शन, और इलेक्शन के द्वारा ही दैट पीपल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट का काम अच्छा तो लोग क्या है उसको प्रोत्साहित करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो चुना जाएगा, लेकिन यदि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उसे बाहर कर देते हैं, ठीक है। अ गवर्नमेंट विच इग्नोर पीपल वेलफेयर, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो इग्नोर कर देती है लोगों के वेलफेयर, लोगों की भलाई के काम को, वो बी वोटेड आउट द नेक्स्ट इलेक्शन, उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में बाहर कर दिया जाता है, मीन्स उन्हें कोई वोट नहीं देता है। नंबर फोर, इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ एजुकेटेड वोटर अबाउट द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर थॉट एंड द इलेक्शन एंड एक्शन टू सॉल्व देम। कह रहे इलेक्शंस आर मीन्स, चुनाव का मतलब है कि लोगों को उनकी प्रॉब्लम के बारे में, कि एजुकेटेड वोटर टू प्रॉब्लम दैट रिक्वायर थॉट, कि लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की जरूरत है और किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ उन्हें जानने की जरूरत है। ऐसा कौन से नेता को वो चुने जो उनकी ये प्रॉब्लम को दूर करेगा। नंबर फाइव, इलेक्शन प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड द लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वास। इलेक्शन क्या प्रदान करता है गवर्नमेंट को? विश्वास, कि लोगों का विश्वास है तभी तो लोगों ने उन्हें चुनकर आगे भेजा। और लेजिटिमेसी मतलब वैधता, उन्हें वैधता दे दी कि अब वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चलाएंगे। नंबर सिक्स, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अलोन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चुनी हुई सरकार अलोन कैन प्रोटेक्ट, अकेले ही प्रोटेक्ट कर सकती है मानव के अधिकारों को। मतलब गवर्नमेंट के पास मानव के अधिकारों को सुनिश्चित करने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी तो ह्यूमन राइट्स भी बचे रहेंगे। इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? चुनाव आयुक्त। इसका काम होता है चुनाव को करवाना। इंडिया के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर मतलब बिल्कुल साफ और निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो, ये सब चुनाव कराना किसके हाथों में है? इन्वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ये सब करवाना, वेस्टेड मतलब हाथ में, किसके हाथों में निहित है ये? इलेक्शन कमीशन के हाथों में। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, कह रहे ये एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। कह रहे जो चुनाव के जो कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त के जो कमिश्नर होते हैं, ठीक है, चुनाव आयुक्त कमीशन के जो कमिश्नर है, और जो दूसरे भी उसके अंदर अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन सब की अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं 6 साल के, ठीक है बेटा। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब आपने इलेक्शन कमीशन एक नया वर्ड देखा, अब इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करती है? आपने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव को करवाना, कि चुनाव करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो इसे किस तरीके से करवाती है देखिए। द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है होल्डिंग द इलेक्शन, चुनाव करवाने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानसभा में हो। इट इज डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इसको सुपरवाइज करते हैं, इलेक्शन प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं एंड डायरेक्ट, और उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं कि किस तरीके से काम होना चाहिए। नंबर टू, इट रिवाइज एंड अपडेट द वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट आती है, हर 5 साल के बाद वोटर लिस्ट आ रही है, तो बेटा कुछ लोग नए भी एड होते हैं वोटर लिस्ट में, जिनकी एज 18 ईयर हो जाती है, या कुछ लोग ऐसे जिनकी डेथ हो गई है उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटाना होता है, तो वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की या रिवाइज, उसमें संशोधन करना भी जाता है। संशोधन मतलब कुछ नया ऐड कर दिया, कुछ पुराना उसमें से हटा दिया, जिन लोगों की डेथ हुई उन्हें वहां से रिमूव कर दिया, और वो बच्चे जिनकी एज 18 ईयर अबव हो गई है उन्हें उसमें ऐड करना, ये सब वोटर लिस्ट में होता है।
इट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक पार्टीज को मान्यता देते हैं चुनाव लड़ने के लिए. इट एलोकेट्स सिंबल टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, एलोकेट्स मतलब बांटना, चुनाव चिन्ह बांटते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को. बताइए बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोटस. बताइए बीजेपी का सिंबल? लोटस. लोटस. कांग्रेस? कांग्रेस का क्या है? मैम भारत का हाथ. अच्छा कांग्रेस का हाथ है. बहुजन समाज पार्टी? मेरा नाम ही पहली बार सुना है. एलिफेंट. बहुजन समाज पार्टी एलिफेंट. आप चलो कोई नहीं, मैं इसके बारे में आएगा पीछे, आप पेज पलट कर देखना बेटे. नेक्स्ट है पेज नंबर C19 पर. देखो सभी पार्टीज और उनके सिंबल्स भी यहाँ पर दिखा रखे हैं, इनको रीड करना है एक बार. ठीक है आगे देखिए. अगला देखिए पॉइंट नंबर 5. इट एलोकेट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड क्या होता है? आचार संहिता. तो सबसे पहले आपको इस मॉडल कोड के बारे में जानना जरूरी है कि मॉडल कोड वास्तव में होता क्या है. जब भी इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है. अभी आचार संहिता होती क्या है कि मॉडल कोड होता क्या है, जब भी चुनाव की घोषणा होती है तब से लेकर जब तक कि चुनाव होकर उसका रिजल्ट नहीं निकल आता तब तक ही आचार संहिता लगी रहती है. जब ये आचार संहिता लगती है तो क्या होता है कि चुनाव के कुछ नियम्स बना दिए जाते हैं, वो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. और आचार संहिता के जो चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं ना, रैलीज निकालते हैं, घर घर जाते हैं चुनाव मांगने के लिए, वो भी 40 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले वो काम खत्म करना होता है. सीएम हो या कोई दूसरे मिनिस्टर हो जो इस वक्त पावर में हो, अब वो कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकते. ठीक है, ऐसा नहीं कि अब बस चुनाव आने वाले हैं तो ऑर्डर निकालें. जब आपका मॉडल कोड लग गया, आचार संहिता लग गई, तब वो लोगों के लिए कोई भी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडल कोड लगना. तो ये मॉडल कोड भी लग जाता है. इट प्रिस्क्राइब द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट सो दैट इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर. इसका मतलब क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट पर मॉडल कोड इसलिए लगाया ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो. ऐसा नहीं हो कि आज घोषणा कर दी गई, मैनिफेस्टो निकाल दिया गया कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद में उन्होंने कुछ लोगों की भलाई के लिए काम करने लग गए वो एक दो महीने तो लोगों को लगा अच्छा. ऐसा नहीं, वो पहले ही ये प्रतिबंध हो जाता है कि अब कोई मिनिस्टर कोई इस टाइप की घोषणा नहीं कर सकता है. तो क्या होता है, इसलिए किया जाता है ये काम ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो. इलेक्शन प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होता है? अब आपको पता है, अच्छा कोई बताएगा मुझे इलेक्शन का प्रोसीजर? किसी के घर में से किसी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है, पापा में या फिर दादाजी, किसी के घर में किसी व्यक्ति ने इलेक्शन लड़े? एनीवन? कोई भी नहीं. और ये इलेक्शन प्रोसीजर काफी बड़ा टॉपिक है, कल रीड करें इसे, हम इसे हम कल रीड करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर को. और उससे पहले आप पेज नंबर C19 के ऊपर ये जो पिक्चर से रखे हैं कि कौन सी पार्टी है और उनके क्या क्या चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह उन्हें कौन बांटता है? इलेक्शन कमीशन ही बांटती है उन्हें. ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. आज कोई भी, ये 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, एक भी बच्चे की क्लास लीव नहीं होने. देखिए कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक मुझे इसमें से नोटबुक नहीं दिखाई. देखो अक्षत तो पहले ही लीव कर गया. बताओ बेटा कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझसे नोटबुक चेक नहीं करवाई. हेलो बेटा, मैं अपनी नोटबुक लाती हूँ. यस बोलो बेटे. पहले जितने मैंने पहले बताए थे ना, पहले तो उतने ही दिखाओ मुझे. ये हैं आपके. अक्षत है या चला गया? पहले तो मैं जियोग्राफी देख रही थी ना,
मानसी ने दिखा दिए, ओजस्वी था यहाँ पर। ओजस्वी माइक ऑन करो। यस मैम। दिखाओ आपका जो चैप्टर इनकम्प्लीट था। ओजस्वी ओपन करो जल्दी, टाइम मत लगाओ। चैप्टर नंबर 4 मैम ला रहे हैं। कितनी देर लगेगी लाने में? मैम किसी ने लेफ्ट कर दिया। मैम किसी ने लेफ्ट कर दिया। हाँ लेफ्ट कर दिया बेटे, इनके नाम है मेरे पास, इन सबके नंबर भी है मेरे पास। धर्मेंद्र है यहाँ पर, निशा ने चेक करवा लिया था, हिमांशी ने करवा लिया, भूमिका ने करवा लिया, प्रशांत ने भी करवा लिया, आशु नोटबुक चेक हो गई जी बच्चे, चेक हो गई। ओजस्वी अभी ला रहा है। तनुज यादव ओपन योर माइक बेटा, नोटबुक दिखाइए, नोटबुक दिखाओ। मैम जियोग्राफी है, जियोग्राफी चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाओ। ओपन करो नोटबुक, कैमरा ऑन करो। और बाकी बच्चों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सभी का वन? यस मैम। यस मैम ठीक है, वो भी अभी चेक करती हूँ, दिखा देना मुझे अभी, पहले से शांत की चेक कर लूँ। यस चैप्टर पेज पढ़ते जाओ। और दिखाओ। यस पेज पढ़ो। चैप्टर 2 दिखाओ। यस चैप्टर 2 नीचे क्यों छोड़ रखा है? मैम हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब पूरा क्यों नहीं करा? पूरा क्यों नहीं करा काम है? मैम अब कर रहा हूं। कंप्लीट क्यों नहीं है? इसके आगे भी नहीं कर रखा? कर रखा। दिखाओ। अवर चेंजिंग हर्ट चैप्टर 2 तो कर ही नहीं रखा, चैप्टर 3 पर आ गया। चलो दिखाओ, ये दिखाओ। चेंज करो। यस पेज चेंज करो। कितने क्वेश्चन है टोटल है 15। चलिए आगे चलिए, 4 ये भी इनकम्प्लीट है ना मैम, ये कर रहे हैं कल से। ना तो आपका 2 कंप्लीट, ना आपका 4 कंप्लीट। पेरेंट्स को कॉल करूं या मंडे तक ये काम कंप्लीट मिलेगा? मैम मंडे तक कर लो। कैसे करोगे? मैम वो वीडियो में देख कर। वीडियो में से क्यों देखना है? आप मेरे को व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर पता है आपको? यस मैम। मेरा फोन नंबर मालूम है ना? मेरे फोन नंबर पर मैसेज डालो कि आई एम तनुज फ्रॉम क्लास 7 और कौन कौन से चैप्टर चाहिए वो मैसेज डालो। ठीक है, कितनी देर में करोगे ये काम? क्लास लीव करो और मैसेज डालो। चलो चलो आप दिखाओ बेटा इसमें से सिविक्स का। हिमांशी आप दिखाओ बेटा सिविक्स। हिमांशी सिविक्स चैप्टर नंबर 1। यस मैम। नंबर ठीक कर लिया था ना इसमें बेटा? एक क्वेश्चन वो नंबर रॉन्ग था। यस पढ़ते जाओ। ये जगह क्यों खाली है बच्चे? मम्मी कल से स्टार्ट, कल का काम है इधर की साइड। बेटा ऐसे बार बार जगह नहीं छोड़ते, उसी के नीचे ही स्टार्ट कर देते हैं और साइड में डेट डाल देते हैं। चलिए आगे चलिए। यस ओके ठीक है, हिमांशी का हो गया। दिशा आप दिखाइए चैप्टर नंबर 1। दिशा यस मैम। चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, ओपन योर नोटबुक। मैम सिविक्स का चैप्टर 1।
ये तो एनवायरनमेंट है, सिविक्स निकालिए। यस, चेंज कीजिए फेस, क्वेश्चन सिखाइए। ओके, चेंज करो। ओके ठीक है, दिशा के बाद भूमिका, ओपन योर नोटबुक। मैम लीव करते क्लास। यस, चेंज भूमिका, स्पेलिंग पर ध्यान दो, स्पेलिंग पर ध्यान दो। यस मैम, चेंज करो। चलिए, भूमिका के बाद कौन है? आशु, चैप्टर नंबर वन। मैं आशु। हाँ यस, आशु दिखाओ बेटा, फेस चेंज करो। ठीक है आशु। आशु के बाद ओजस्वी, चैप्टर नंबर वन दिखाओ सिविक्स का। ओजस्वी, ओजस्वी मेरी आवाज नहीं आ रही। नुपुर आप दिखाओ। yes, ma'am. नुपुर, ओजस्वी ओपन करो नोटबुक। प्रशांत आप भी ओपन कर लो। दिखाओ बच्चे नोटबुक, दिखाओ फटाफट। चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हुआ या नहीं? ओजस्वी कितनी देर लगी? मैम चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन ऑफ सिविक्स। मैम सिविक्स यार, सिविक्स चैप्टर फोर कब दिखाओगे मुझे? आपकी सिविक्स, सिविक्स, सिविक्स। जल्दी ओपन करो, इतनी देर हो सकती है। जल्दी चैप्टर फोर। प्रशांत इतने आप ओपन करो जितने ये नोटबुक खोल रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं दिखा दूँ। प्रशांत जल्दी दिखाओ। मैं अमर रह रहा अभी थोड़ा। एक्सक्यूज मी मैम, छवि आप दिखाओ। मैम और दूर चलना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैं कर रखा है, मैं स्टार्ट हो रखा है। छवि दिखाओ बेटा। हाँ छवि, पेज पलटो। यस आगे दिखाओ बेटा। ठीक है, ठीक है छवि। ओजस्वी आप जल्दी दिखाओ। ओके छवि, मैम दिखाया था ना, आपने ध्यान नहीं दिया। दोबारा दिखाओ बेटा, छवि दिखा रही थी तब। ओपन करो मैम। कौन सा चैप्टर है ये? मम्मी फाइव है, मैं आपने अगला करने को कहा था। चैप्टर फोर कहाँ है आपका? मैम फोर को, फोर ये फोर है ना, फोर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जस्सी आप मार खाओगे मुझसे अब। मैम मंडे तक आपका चैप्टर फोर कंप्लीट नहीं हो रहा है। चैप्टर नंबर वन दिखाओ उसने कितना। सिविक्स का चैप्टर वन दिखाइए। जल्दी करो, नोटबुक आप ओपन कर कर रखो नोटबुक। दूर से मैम पेज चेंज करो। नुपुर ओजस्वी रुको एक मिनट, नुपुर पेज चेंज करो। यस आगे चलो बेटे। ओके नुपुर लीव कर दो, बाकी बच्चे लीव कर दो क्लास, बस ओजस्वी रहेगा यहाँ पर, बाकी लीव करो।
यस ओजस्वी बोलो बेटा। अरे यहाँ से ओजस्वी मैम उनको चैप्टर वन सिविक्स का मम्मा कहाँ है आपकी? मैम वो सिक्स को मैम वो सिक्स क्वेश्चंस सिक्स नहीं पूरे 13-14 क्वेश्चंस हैं मैम हमने तो सिक्स देखे थे क्यों बेटा कल भेजे थे कल क्यों नहीं किया काम मैम मैं आप होमवर्क में भेजते थे हमने क्लास वर्क चेक किया था तो बेटा ये तो कोई बात नहीं है क्लास तो आपने ले ली होमवर्क मम्मी कहाँ है आपकी मम्मी को बुलाओ बुलाओ मम्मी को बुला लाओ मैम ने होमवर्क चेक नहीं किया क्लास वर्क चेक कर लिया अच्छा तो मम्मी कहाँ है कैमरा ऑन करो बुलाओ जल्दी मैम आ रही है मैं आ रही मैम यहाँ पे नहीं है शायद आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए नहीं तो परसों मैं मंडे को मम्मी से बात मैम मंडे को चेक कर लेना मैम मंडे को चेक कर लेना मंडे तक कर चलो लीव करो